डाल, आजकल बहुत मिर्ची डालने लगी है तू। वाह कितनी उशीर ज़्यादा। छोटे लाल। जी मैम साहब। ये ले टिफिन ले लो और जल्दी से गाड़ी निकालो। शांति तू कपड़े देखना। हाँ स्मृति, स्मृति ये लड़की तो आज जल्दी आ देख। आठ बजने को आए तेरे पापा। पता है बाबा को लेट होना पसंद नहीं, मिलिट्री स्कूल है अपना घर। चुप कर वो सुनेंगे तो। हाँ हाँ अरुणा टिफिन झाला का मजा झाला झाला। छोटे लाल को दिया है। हाँ पंक्चुअल रहेगी तो अच्छी बात है ना बेटा। बात कर लीजिए ना, बार बार फोन आ रहा है। ऐसे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। चलो हो बाबा मैं जा रही हूँ। जल्दी जा। चलिए साहब। आर यू ओके बेटा? हाँ बाबा। हेलो हाँ बोलो। नहीं नहीं पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो बेचारा मिश्रा जेल जाएगा। मानता हूँ कि उसकी गलती है लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी थी। नहीं नहीं एक काम करो अकाउंट्स में बोल दीजिए कि उसका पीपीएफ रिलीज कर दे। सी आई का फोन कट गया। इट्स 7:10 ऑलरेडी। अर्जुन ड्रॉप मी होम। बाबा मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो सुनामी आ जाएगा। अत्ता है ये दिल। यार जवाब दूंगी मैं उनको। अरे यार कितनी डरपोक हो तुम। अरे बोल दो ना अपने पापा से कि तुम अब अर्जुन की हो चुकी हो। ओके एंड बाय द वे आज मेरा पूरा घर खाली है। मेरे पेरेंट्स ना इतने कूल नहीं है। Now drop me home. Okay, fine. लेकिन हाँ next time अगर मेरा घर खाली हुआ ना सर तुम्हें तो किडनैप ही कर लूंगा। Last kiss, baby. प्रीति! बाबा? क्या हो रहा है ये? हाँ? बाबा? चल, चल तू। और स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा। जेल। जाने तो साहब। काय झाला? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी बेटी कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है तुम्हें भी नहीं पता। और होगा भी कैसे? अपने आप पे ध्यान होता है तुम्हारा, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं। काय बोलता है तुम्ही? क्या हुआ है कुछ तो बताइए। पूछो अपनी बेटी से। स्मृति क्या हुआ है, क्या किया है तूने? यहाँ कोई कुछ कर सकता है? ये घर नहीं जेल है। मुझे नानी के घर नागपुर भेजने का प्लान बना रहे हैं पापा। स्मृति बेबी यू कैनॉट लीव मी। अरे मैं मर जाऊंगा। काम डाउन बेबी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब टाइम आ गया है बाबा की डिक्टेटरशिप खत्म करने का। बहुत हो गई मनमानी। अब मैं 19 की हो गई हूँ। अब वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। That's my girl. और हाँ, तुम्हें अपने फ्रीडम के लिए लड़ना ही चाहिए। Exactly. समझते क्या है वो अपने आप को? मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो तुम जो भी करो लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। Never. ये सब मैं इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी
कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। नहीं नहीं, अरे स्मृति मेरा मतलब भागना नहीं, अरे तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? जिसे घर छोड़कर जाना है वो जाए। ओके मतलब वो एक काम कर दे स्मृति, लेट्स मेड अप अ प्लान समथिंग। ओके या बाय। मैं कुछ करूं ना करूं, इस घर में जो भी हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ सिर्फ मैं, ऐसा लगता है सब छोड़ के चली जाऊं मैं। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शायद वो बाथरूम से आ गए हैं, रखती हूँ कल मिलूंगी। अच्छा बॉय, हम अक्सर कहते सुनते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। शायद यही हो रहा था पाटिल परिवार के साथ। सच ये था कि घर में रहने वाले तीनों ही लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे, हर कोई एक दूसरे से कुछ छिपा रहा था। क्या यही राज वजह बन रहे थे आपसी रिश्तों में दूरियों के लिए? साहब, अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाबी तो मेरे पास है। साहब, घर से सारा सामान गायब है, कैश ज्वेलरी सब कुछ। लगता है चोरी का मामला है। राउत पता करो उस घर में काम कौन कौन करता है। ठीक है साहब। लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? हम दोनों ने साहब, पर ये सब बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं तो दिन भर काम खत्म करके रात को ही घर चली गई थी, और ये सब कब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है साहब। घर में कौन कौन रहता है? मैम साहब और स्मृति बेबी। बाकी घर वाले कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम साहब, कल रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था। कोई दुश्मनी, कोई हाथापाई? साहब कल सुबह मैं पाटिल साहब को लेके जा रहा था तो रास्ते में मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा कौन है? साहब मिश्रा जी उनके यहाँ अकाउंट का काम देखते थे। पिछले महीने साहब ने उनको नौकरी से निकाल दिया। और हाँ साहब, कल रात में अर्जुन से भी साहब की कुछ कहा सुनी हो गई थी। अर्जुन जी, ये कौन है? स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा। ठीक है जा। राउत जी सर, ये घर में जितने भी लोग रहते हैं सबके बारे में पता करो, ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये मिश्रा कौन है, अर्जुन कौन है, इनके भी एड्रेसेस निकालो। और तुम एक काम करो, आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना सबसे इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। साहब माँ बेटी दोनों का फोन ऑफ आ रहा है। ये माँ और बेटी गई कहाँ होंगी? रहो फोन ट्रेस करा लो कर। ठीक है। मिसेस पाटिल और उसकी लड़की स्मृति दोनों की फोन की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था, और उसके बाद उन दोनों का कोई ज्यादा पता नहीं। राउत तुम एक काम करो, इन दोनों को मिसिंग पर्सन में रजिस्टर करो और दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। और सर मला वर्त कि मिश्रा ने ही, क्योंकि उसी ने कल मिस्टर पाटिल को जान से मारने की धमकी दी थी। राउत अगर मिश्रा ने मिस्टर पाटिल का कत्ल किया है तो सवाल ये उठता है कि स्मृति और मिसेस पाटिल किधर लापता है? तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। साहब मैंने जो भी किया वो पाटिल साहब के इशारे पे किया था। साहब उन्हीं के कहने पे मैंने कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में डाला था, और जब वो पैसा डूब गया तो उसी बात का इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पे लगा के मुझे नौकरी से बाहर कर दिया। साहब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना साहब। गुस्से में आके तूने पाटिल का खून कर दिया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं तो उस दिन के बाद से पाटिल साहब को देखा भी नहीं। कौन है तुम? भाई अर्जुन कौन है? ये उठे हट। अर्जुन कौन है? मिया। तो तेरा नाम अर्जुन है? जी।
कल स्मृति के बाप के साथ तूने झगड़ा क्यों किया? अरे शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो उल्टा उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बाबा चल चल तू। अब स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? मैं एक अच्छे घर से हूँ, स्मृति उनमें तो एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर उसका चलना बाप प्यार व्यार क्या जाने। सर स्मृति हमेशा डरी हुई रहती थी, उसके उसके बाप का फोन आया नहीं कि उसे पसीने छूट जाते थे। अब तेरी बारी कृष्णा, जा चल जा। देख तू तो चैंप है यार। बाबा का फोन। हेलो बाबा। स्मृति 8:15 बज ले, कहा था ना 8 बजे तक घर पहुंच जाना। बाबा वो ट्रैफिक है रास्ते में, आप गुस्सा मत करो, मैं आ रही। क्या हुआ? बाबा जाना होगा। सर सर, कोई लड़की को ऐसे मारता है क्या, और वो भी खुद की बेटी को? सर स्मृति के पापा तो उसे किसी भी बात पे मारते थे। रिलैक्स ओके। अरे हुआ कैसे? मैथ में मार्क्स कम आए तो बाबा ने कान खींच दिया। कैसा बाप है तेरा? सर अब तो मुझे स्मृति की चिंता होने लगी, कल रात से फोन ट्राई करो फोन ही नहीं लग रहा। सोचा कि घर जाके मिल लूं, लेकिन अगर उसके खड़ूस बाप को पता चलता तो उसे और मारता था। तो कल रात तेरी ना स्मृति से बात हुई ना ही तू उससे मिला? नहीं सर, मैं ही दोस्तों के साथ यहाँ कैरम खेल रहा था। कैरम खेल रहा था? लड़की को देखा? हाँ, ये तो अर्जुन के साथ कभी कभी बाइक पर बैठकर आती थी। इतनी सारी लड़कियों में यही एक शरीफ घर की लगती थी। यानी कि अर्जुन की और भी गर्लफ्रेंड है? साहब गर्लफ्रेंड नहीं, ये उसी टाइप की औरतों को लेके आता था। अरे छोटे लाल एक बात बताओ, तुम्हारा साहब है ना अपना पाटिल साहब, ये स्मृति पे हाथ उठाता था क्या? साहब अर्जुन के साथ वो वाला जब से केस हुआ ना, उसके बाद साहब बेबी पे बहुत गुस्सा थे। सर डूबने से पहले इस लड़की को बेल्ट से पीटा गया। नहीं राउत, इसकी मौत मारने पीटने से नहीं हुई है। ए बगा ए, ये निशान दिख रहा है ना, इसकी मौत हुई है गला घोटने से। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मिस्टर पाटिल और स्मृति के मौत के बीच चंद घंटों का ही फर्क है। स्मृति की मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी मौत के पहले उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। राउत ये स्मृति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अर्जुन। लेके आओ सर। ठीक है सर। तो स्मृति से मिला था फिर भी तूने झूठ बोला? अरे साहब मैं सच में डर गया था, स्मृति उस रात मेरे घर आई भी थी। स्मृति ये आई हेट हिम अर्जुन, आई हेट माय डैड। देखो कितना मारा है, मैं थक गई हूं उस आदमी से। अब उसे पता चलेगा कि मैं भी उसी की बेटी हूं। दिखाती हूं उसे कि बेशर्मी क्या होती है, पूरी सोसाइटी में उसका बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम स्मृति नहीं। आई नीड योर हेल्प। क्या हेल्प चाहिए? गेट मी प्रेग्नेंट। तुम क्या पागल हो गई हो गया? प्लीज स्मृति प्लीज। मैंने तो वही किया था, उसने मुझे कहा था, पर पता नहीं कि उसकी माँ को कैसे पता चल गया, वो हाथी हाथ को मेरे घर आया और स्मृति को लेकर चली गई। स्मृति आंटी। हाँ स्मृति आई। कहाँ अकेला तू है? चल चल घरी सर, चल घरी सर, चल लौकर घरी सर। नहीं आई, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। तुझे पता है ना तेरे बाबा का गुस्सा? अरे मुझे मार डालेंगे वो। आंटी प्लीज तू बीच में बता। स्मृति इसलिए मैं डर गया था, पर सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? भाग मारे लेके जा। अरे सर मला वटता इस अर्जुन ने ही बाप बेटी को मारा है। स्मृति ने अपने बाप को मारने का प्लान बनाया होगा,
अर्जुन ने स्मृति को ही मार दिया ताकि उसको पैसे और गहने मिल जाएं। अब अरुणा का इसमें क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अरुणा गायब है, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो उसे। ठीक है सर। मिस्टर पाटिल का रवैया कैसा था? सर, मिस्टर पाटिल बहुत गुस्सेल इंसान थे। अरुणा और स्मृति बहुत डरती थी उनसे। कितनी वाजले? चाय का टाइम पता है ना तुम्हें? फिर भी तुम्हारी गप्पेबाजी खत्म नहीं हुई, लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। अब भला चाय के लिए भी कोई इतना गुस्सा करता है क्या? साहब, मिसेस पाटिल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर पे बार बार फोन करती थी और वो नंबर किसी रोशन के नाम से रजिस्टर है। लेके आओ उसे। क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और अरुणा ने भी मुझसे बात नहीं की। अरुणा से तुम्हारी फोन पे रोज बात होती थी ना? रोज तो नहीं पर अक्सर बात होती थी हमारी। कब से जानते हो उसे? बचपन की दोस्ती है हमारी। अरुणा की जिंदगी में ऐसा क्या गम है जो घंटों तुमसे फोन पे बात करके शेयर करती है? सर, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे और हाल ही में तो उसकी मैरिड लाइफ और भी उलझ गई थी। क्या हुआ तुम्हें, इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? अरुणा बताओ अभी। चोट के निशान, ये सब कैसे हुआ? अरुणा बताओ अभी कैसे हुआ ये सब? इस बार मैंने चाय बनाने में देर कर दी। इतने सालों से ये जुल्म तुम बर्दाश्त कर रही हो अरुणा, ये शादी तुम्हें खत्म कर देगी। अच्छा होगा कि ये किस्सा तुम ही खत्म कर दो। हाँ, बस बहुत हो गया, अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वैसे तो हर इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि पाटिल, वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। नियम कायदे अपनी जगह, लेकिन वो अपनी बात मनवाने के लिए हैवानियत पर उतर आता था। घर हो या बाहर, वो अपनी हर सही गलत सोच को दूसरों पर थोपना चाहता था और उसकी इसी तानाशाही की वजह से उसकी अपनी पत्नी और बेटी भी उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन क्या उनकी नफरत इतनी बड़ी थी कि वो उसकी जान ले ले? हालांकि शक की सुई मिश्रा और अर्जुन की तरफ भी जा रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। लेडी को कहीं देखा है? जी नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, इस लेडी को कहीं देखा है? सुबह 4 बजे यहाँ से निकली थी। सुबह सुबह 4 बजे कौन उठता है साहब? वो झाड़ू वाली आते हैं, उनसे पूछ लो। ये झाड़ू वाली कहाँ मिलेगी? वो सामने वाली गली में मिल जाएगी। सुनो, यहाँ बाइला तुम्हें कुटे पायलट का? हाँ साहब, पूरे रास्ता अपने बेटे के साथ रोते झगड़ते जा रही थी। स्मृति अपने पिता को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उस रात वो अर्जुन से मिलने गई थी। उससे भी अजीब बात ये है, राउत के अरुणा को कैसे मालूम कि स्मृति और अर्जुन वहां पर मौजूद हैं? उसका मतलब ये है कि कोई तो है जिसने जानबूझकर स्मृति और अर्जुन को वहां पर बुलाया, पर अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहां से गए कहां? हेलो, ठीक है। और एक बात सर, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाटिल एक ही एटीएम से महीने के हर 15 तारीख को 50,000 रुपये निकालता, और ये एटीएम पाटिल के घर से और ऑफिस से काफी दूर है। पाटिल के ड्राइवर को बुलाओ। ठीक है सर। पाटिल साहब की बातों को मैं कैसे बता सकता था? अरे वो मेरे लिए सब कुछ थे साहब, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? बता सर, तेरा बॉस वहां पर क्यों जाता था? सच बता। साहब साहब बता रहा हूँ,
साहब साहब बता रहा हूँ साहब साहब मीनल मैम साहब के यहाँ जाते थे। मीनल मैम साहब साहब की गर्लफ्रेंड थी। अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं उनकी कंपनी में कंसल्टेंट हूँ। देखिए मीनल जी, हकीकत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए झूठ बोलकर पुलिस का वक्त आप जाया ना करें। ये एक मर्डर का केस है, उसकी आप एक सस्पेक्ट हैं, इसलिए बेहतर ही आपकी यही होगी कि आप सच सच बताएं। देखिए सर, हम 2 साल से साथ में हैं और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इंसान को जो चीज घर पर नहीं मिलती वही तो वो ढूंढने बाहर निकलता है, कि पता नहीं कैसे उनकी वाइफ को मेरे बारे में भनक लग गई और वो उस रात मेरे घर पहुंच गई। सॉरी, वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहा तुमने? कि वो मुझसे खुश नहीं है? अरे उस आदमी के हर हरकत को बर्दाश्त किया है मैंने ताकि वो खुश रहे, मेरी शादी ना टूटे। बाहर के लोगों को आकर कह रहा है कि वो खुश नहीं है। मुझे भी उसका ख्याल रखना छोड़ देना चाहिए। संभला आता सब। अजीब थे उसके रिएक्शन, मानो उस रात वो कुछ भी कर सकती थी। जब कोई परिवार टूटता है तो उसके साथ साथ वो प्यार, विश्वास और हर वो एहसास भी टूट जाता है जो परिवार को बांधे रखता है, जिस परिवार को बनने में बरसों लग जाते हैं, जो परिवार हमारे जीने की वजह बन जाता है, उसी परिवार को हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जिस परिवार की खुशी हमारे जीने का मकसद बन जाती है, गुस्से और धोखे का दर्द हमें उसी परिवार को चोट पहुंचाने पर उतारू कर देता है। पाटिल परिवार में भी शायद यही हो रहा था। इंसान अगर अपनों से नफरत करने लगे तो उस नफरत का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। शायद मिनल के मिलने के बाद अरुणा ने ही अपने पति का कत्ल किया और शायद प्रीति ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने स्मृति को भी, और शायद इन सब में अरुणा ने मदद ली अपने सो कॉल्ड फ्रेंड रोशन की। ये अरुणा का मिलना बहुत जरूरी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। आज के लिए क्रिमिनल्स पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हैं। देखिए मिस्टर रोशन, अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मिसेस पाटिल की बॉडी आपके घर के बिल्कुल पास पाई गई है। सर, बॉडी मेरे घर के पास पाई गई है, इसे इसे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है। और मैं क्यों मारूंगा उसे? वो मेरे बचपन की दोस्त थी। पैसों के लिए आपने मारा मिसेस पाटिल को, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और आप लोग असली किलर को छोड़ के क्यों मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा हाथ नहीं है इस सब में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही कि मिसेस पाटिल की मौत 2 दिन पहले ही हो गई। मौत की वजह पॉइजनिंग। शरीर पे पाए हुए निशान ये साफ जाहिर करते हैं कि मरने से पहले मिसेस पाटिल ने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया। अरे सर, उस दिन झाड़ू वाले ने भी बताया कि उसने मिसेस पाटिल को सुबह सुबह अपनी बेटी को घसीटते ले जाते हुए देखा। इतने सुबह सुबह टैक्सी या ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है सर, और वहाँ से वो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका घर वहाँ से बहुत ही दूर है। राउत, मेरी समझ में नहीं आता कि मिस्टर पाटिल को ये कैसे मालूम पड़ा कि उनकी बेटी स्मृति कहाँ है, क्योंकि जिस रास्ते पे उन्होंने स्मृति और अर्जुन को पकड़ा था वो रास्ता उनके घर के रास्ते से बिल्कुल अलग है। और उसी रात मिसेस पाटिल को भी मिनल के बारे में मालूम पड़ा। कोई तो है राउत, कोई तो है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसेस और मिस्टर पाटिल तक पहुंचा रहा है। हो सर, उस रात को मिसेस पाटिल और उनके ड्राइवर छोटे लाल की फोन पे बात भी हुई थी देर रात को। बोलो। The number you have called is currently switched off. सर, फोन स्विच ऑफ है। ए सुनो, ये छोटे लाल का घर किधर है? यहाँ से राइट सर। साहब, छोटे लाल से घर बगाएगा। छोटे लाल है? नहीं नहीं साहब। कहाँ गए? सर,
उनको दो दिन का नासिक का भाड़ा मिल गया ना, इसलिए वो वहाँ गए हैं। फोन करेंगे करके बोला लेकिन उनका फोन बंद है। शायद चार्जर लेकर जाना भूल गए। आप लोग पाटिल साहब के केस के बारे में बात करने आए हैं? हाँ, रूटीन पूछताछ करनी थी। तुम्हारे पास उनका कोई नंबर है या फिर किसके साथ गए मालूम है? नहीं साहब, वो कहाँ बता के जाते हैं। चला सर, छोटे लाल की लास्ट कॉल लोकेशन पूना रेलवे स्टेशन के आसपास की थी, और कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि वो मिश्रा के लगातार टच में था। उसके मकान मालिक ने यह बताया कि चार दिन पहले उसने 6 महीने पुराना हिसाब चुकता किया और 3 महीने का किराया एडवांस में लिया, और ये सारी रकम उसने कैश में दी होगी। वही सर। मैं मर्डर के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन पाटिल के घर पर जो चोरी हुई उसमें 100% इस छोटे लाल का हाथ। मिश्रा के साथ मिलकर उसने पाटिल के घर पर चोरी की और फिर फरार हो गया। राउत, मिश्रा को लेकर आ। साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि उस रात तो हम शहर में थे ही नहीं। साहब, लेकिन एक बात और है। ये छोटे लाल हमसे अक्सर बातें किया करता था, सब नौकरी छोड़ने के बाद भी। कभी पैसों के लेन देन की बात की उसने तुमसे? हाँ सर, शायद एक बार दारू के नशे में। अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी, पाटिल साहब हफ्ते में कितना पैसा लाते हो? कम से कम 10 लाख रुपए। और देख लेना छोटे लाल, एक दिन यही रुपया इसकी जान ले लेगा। छोटे लाल के कॉल रिकॉर्ड से हमें 2 अननोन नंबर मिले जिनसे उसकी अक्सर बात ही हुआ करती थी। मर्डर वाली रात को भी इन्हीं 2 नंबर से बात हुई। तो मैं काम करो, ये छोटे और मिश्रा के घर पे नजर रख, यहीं से हमें क्लू मिलेगा। सर, छोटे लाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो। व्हाट? यस। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? साहब, ये कोई बात है अपनी बीवी को बताता है क्या? राउत, मला वत्ता ये खूनी है ना, पाटिल का कोई खास है। इसको पाटिल की सारी इंफॉर्मेशन है। हो सकता है छोटे लाल को उसके बारे में मालूम पड़ गया हो, और उसने भी छोटे लाल को। सर, मलाई तेज वत्ता है। राउत, अब एक मिश्रा ही है जो हमें इस केस के अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर, मिश्रा के घर वालों से मेरी बात हुई थी। उस रात को मुंबई में किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। सर, छोटे के मोबाइल पे जो 2 अननोन नंबर थे वो उसके साले रघु लल्लन के नाम पे रजिस्टर थे। सर, उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चला। ये पकड़ा है, ये पकड़ो, ए, 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 पकड़ा, ए, पकड़ा, ए, पकड़ा, ए, पकड़ा, इसको, पकड़ा, पकड़ा, पकड़ ले इसको। देखो, मार खाने से अच्छा है कि तुम लोग सब कुछ सच सच बता दो। अपने जीजा छोटे लाल के साथ मिलके तुम लोगों ने पाटिल के घर पे चोरी की है ना? पैसे की लालच में, और पैसे की लालच में तुम लोगों ने अपने जीजा को मार डाला, अपने रास्ते से हटा दिया। अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुमने? अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुम लोगों ने? हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हम दोनों तो पिछले महीने यहाँ आए थे काम ढूंढने, और अपनी जीजी के यहाँ ही रुके थे साहब। हम दोनों का प्लान बनाते साहब, हम तो ठीक से यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए पैसे? बोल। तब हमसे ये करवाया गया था साहब पैसों के लिए। हाँ साहब। किसने करवाया? किसने करवाया? साहब,
आप लोग मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आई है साहब? देखिए मेरा 8वां महीना चल रहा है साहब, आप लोगों को एक गरीब कमजोर औरत पर तरस भी नहीं आता क्या साहब? कमजोर औरत साहब, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मेरी खोली पे जाना है साहब। बैठ। तेरे भाइयों ने सारी असलियत बता दी हमें, मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तू किस हालत में, इसलिए बेहतर तेरे लिए ये होगा कि तू सच सच बता दे, वरना मैं अपने हिसाब से अगर सच खुलवाऊंगा तो याद रखना। सच क्या है साहब? हम लोग गरीब है तो क्या इंसान नहीं है साहब? और वो साला पाटिल हमको इंसान ही नहीं समझता, आपको पता है उसने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पैसे मिल गए, चलो अब अस्पताल चलते हैं। चलो बेटा। नहीं, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। मेरी समझ में आ गया था, इस पाटिल की नौकरी के भरोसे मेरा घर नहीं चल सकता, इसलिए मैंने अपने पति और भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अब हम पैसा निकालेंगे तो अपने तरीके से। मुझे पता था वो पाटिल अपने घर पे हर बुधवार को 10 लाख रुपया लेकर आता है। मेरे पति ने पाटिल को मारा और तब तक मेरे भाइयों ने सारा पैसा और गहने बटोर लिए। मीम साहब और बेबी को भी उसी रात टपकाना था, इसीलिए मेरे पति ने मीम साहब के कान में सांप के चक्कर वाली बात डाल दी और बेबी के भी चक्कर के बारे में बता दिया। तुम लोगों ने उन दोनों को अर्जुन के घर से किडनैप कराया था ना? हाँ। और मिसेस पाटिल को तूने जिंदा रखा ताकि सारा इल्जाम तू उन पर डाल सके। मेरा पति एक नंबर का नशेड़ी था, नशे के हालत में वो पागल हो गया था साहब। और यही वजह कि तूने उसे मार दिया? मारा नहीं साहब, मारना पड़ा। इस लूट में हम लोग 4 लोग थे, हम सबको 2.5 लाख और कुछ गहने मिले थे। इतना पैसा देखकर वो पागल हो गया था। साले छोटे, आजकल बहुत पैसे अच्छे लग रहे तेरी जेब से, एक ड्राइवर के पगार में इतनी है ऐसी, जरा हमें भी तो बता। यार छोटे लाल, तेरी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? पर तुम लोग सुनोगे ना, पटके हाथ पे आ जाएगी। मैं छोड़ो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, जाने दो। तूने कौन सा तीर मार लिया, सब बकवास है। बकवास साले, तुम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया है? मैंने चल चल उठ उठ, तू दिमाग में भूसा भरा तेरे, क्या बकने जा रहा था तू? अरे पागल औरत, मैंने कुछ नहीं बताया और मैंने रोका इसलिए, वरना तो सब बक देता तू। साले, मैं किसी को कुछ बताऊं, किसी को कुछ कहूं, तू कौन होती है रोकने वाली मुझे? मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी तू है, तू है। उसकी इन हरकतों से लोगों को शक होने लगा था, मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ही मारा। ये सारा प्लान मैंने बनाया, वो मुझे ही चुप कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं हमेशा के लिए चुप करूं। पाटिल जैसे लोगों को तो भगवान ने पैसा ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, और मेरे पति जैसे लोगों को तो उल्टा पैदा ही नहीं होना चाहिए, वो किसी काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते वो। गरीबी की बीमारी से बचने के लिए छोटे लाल की बीवी ने जो रास्ता चुना,
वो जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ। पुलिस ने छोटे लाल की बीवी और उसके दोनों भाइयों को पाटिल, अरुणा और स्मृति के मर्डर, चोरी और सबूत मिटाने के गंभीर जुर्म के लिए गिरफ्तार किया है। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान शांति के अपने बच्चों का हुआ। जिन बच्चों के भविष्य के लिए शांति ने यह सब कुछ किया, वो बच्चे आज और भी ज्यादा बेसहारा है। अब उनके पास ना बाप का साया है और ना ही माँ की ममता। शांति के हिसाब से वो पाटिल को सबक सिखा रही थी, पाटिल को मार कर वो इंसाफ कर रही थी। लेकिन अगर हर इंसान अपना इंसाफ खुद करने लगे तो कैसा होगा हमारा समाज। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हमें पाटिल जैसा इंसान भी नहीं बनना चाहिए जिसके गुरूर और ईगो की कीमत उसे और उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अच्छे बर्ताव की कोई कीमत नहीं होती, पर फिर भी वो अनमोल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.